परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। इस हिंदी आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आइए हम सब परमेश्वर के चरणों में चलें, अपनी आंखों को बंद करके और अपने सरों को झुकाते हुए उस महान परमेश्वर की आराधना करें जिस परमेश्वर ने इस सुबह के दिन को हमारे जीवन में दिया है। धन्यवाद देते महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, आज सुबह के वक्त में परमेश्वर तूने हमें ये सौभाग्य दिया है, तूने हमें ये लायक समझा है कि हम सब मिलकर आपके चरणों में चले। राजा पिछले एक हफ्ते आप हमारे साथ रहे, आपने हमें संभाला, आपने हमें अपनी सुरक्षा दी, अपने दूतों को भेजकर परमेश्वर आपने हमारी रक्षा की। हम आपका धन्यवाद देते हैं राजा। आज सुबह के दिन में परमेश्वर एक धन्यवाद हृदय के साथ आपके चरणों में आते हैं राजा, सारे उपकारों को सोचते हुए, सारी भलाइयों को सोचते हुए हम आपके परमेश्वर चरणों में आते हैं राजा। ओ परमेश्वर, इस दिन में आपके नाम को और ऊंचा उठाने के लिए, आपकी हर एक भलाइयों को सोच के धन्यवाद देने के लिए, कुछ गीतों को गाने के लिए, तेरे वचन सुनने के लिए, कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए तू सहायता कर राजा। तू आज और कल और युगानियुग एक सा है परमेश्वर, तू अल्फा और ओमेगा है राजा, तू हमारा शालोम है राजा, तू हमारा शांति का राजकुमार है राजा। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आप हमारे सहारा बन के परमेश्वर हमारे इस जीवनों के नाव को अपने हाथों में लेकर हर एक आंधियां, हर एक तूफानों को फाड़ने के लिए आपने हमें बल दिया है राजा। हम आपका धन्यवाद देते हैं राजा। इस संसार में हर एक दिन अनेक लोग, लाखों लोग मर रहे हैं राजा, अनेक लोग अस्पताल में तड़प रहे हैं राजा, अनेक लोग के पास सांस नहीं ले पा रहे हैं, अनेक लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं परमेश्वर, लेकिन आज सुबह के वक्त में आपने अपने चरणों में हमें लेके आया है राजा, हमें तंदुरुस्त रखा है, हमें भला चंगा रखा है। ये कितनी बड़ी बात है परमेश्वर। ओ परमेश्वर, आप कितने दयालु हैं, आप कितने अनुग्रहकारी हैं, आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी है राजा। हम आपका धन्यवाद देते हैं राजा। आज सुबह के वक्त में परमेश्वर हमारे मन को राजा और दृढ़ कर, हमारे जीवनों से हर एक डर को, हर एक भय को निकाल दे परमेश्वर, हमारे जीवनों में ये विश्वास होने पाए कि परमेश्वर हमारा जीवन आपके हाथ में है राजा। ओ परमेश्वर, तेरे ऊपर संपूर्ण रीति से विश्वास करने के लिए, तेरे वचनों पर चलने के लिए, तेरे नाम को और ऊंचा उठाने के लिए, तेरे बारे में दूसरों को बताने के लिए तू सहायता कर परमेश्वर। हम आपके चरणों में अपने जीवनों को नम्र और दीन बनाते हैं राजा। आप हमारे पापों को क्षमा कर परमेश्वर, हमारे जीवनों को परमेश्वर पवित्र कर, अपने लहू से धोकर साफ कर दे परमेश्वर, हमें निष्पाप कर परमेश्वर। वो तेरा आगमन बहुत निकट है परमेश्वर, तू बहुत जल्द आने वाला है। उन सारी बातों को सोचते हुए आपके चरणों में अटल बने रहने के लिए, आपके वचनों पर चलने के लिए आप हमें सहायता कर परमेश्वर। इस पूरी आराधना में आप हमारे साथ रहिए, गीतों को गा के तेरे नाम की स्तुति करने के लिए सहायता कर। जितने भी भाई बहन लोग हमारे साथ इस हिंदी आराधना को ऑनलाइन देख रहे हैं, आप उन सबको आशीष करिए राजा। इस पूरी आराधना में परमेश्वर बने रहने के लिए हमें सहायता कर परमेश्वर, क्योंकि आपका आना बहुत नजदीक है राजा। तेरी उपस्थिति को महसूस करने के लिए सहायता कर राजा। सारी बातों को भूलते हुए हम संपूर्ण रीति से, अपने मन से, अपने दिल से और अपनी शक्ति से तेरी आराधना करने के लिए आए हैं राजा। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं,
आमेन। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने हमारे जीवनों में एक और हफ्ता दिया है और परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम उसकी आराधना कर सके अपने घरों में बैठ के, अनेक जगहों में, अलग अलग जगहों में उस परमेश्वर की आराधना कर सके। हमारा परमेश्वर महान है। और मैं ये फिर बताना चाहती हूँ, आज सुबह के वक्त में अगर आज हम जीवित हैं, परमेश्वर के चरणों में बैठ के उसकी आराधना कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी परमेश्वर की करुणा है जो परमेश्वर ने हमें दी है। इस बात को ध्यान रखते हुए इस पहले गीत को गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा, मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। आइए इस गीत को गा के परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा एक पति समान चलता रहूं।
मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा, एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। और हम सब इस संसार में एक छोटी छोटी बत्ती के रूप में आए हैं, और परमेश्वर हमारे जीवन से ये चाहता है कि अपनी आखिरी श्वास तक उस परमेश्वर की सेवा करें, और जितना हो सकता है उस परमेश्वर के लिए, उसकी सेवकाई के लिए हम दौड़ें, और परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग में या फिर जब हम संसार में हैं, परमेश्वर हमको ज़रूर अपनी दुगनी आशीष से तृप्त करेगा। आइए इस दूसरे गीत को गाएंगे, तेरे गम सब खुशी में बदलेंगे, तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। हो सकता है आज सुबह के दिन में आपके जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियाँ हों, आपके जीवन में अनेक गम हो सकते हैं, आप रात भर नहीं सो पा रहे हो, लेकिन आज सुबह परमेश्वर आपको इस गीत से ये कहलाना चाहता है, ये बताना चाहता है कि तेरे सारे गम, हो सकता है आपके पिछले दिनों में अनेक गम हो, सब परमेश्वर खुशी में बदलेगा। आइए विश्वास के साथ ताली बजाते हुए इस गीत को गाएंगे। देखेगा
सकते हैं, आपकी आंखों के सामने अनेक मृत्यु को देख सकते हैं, आपका जीवन भय और डर से भर चुका है, आपका मन व्याकुल हो रहा है, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवनों में परमेश्वर इस आराधना से हमें ये प्रतिज्ञा वचन दे रहा है कि हमारे सारे गमों को, हमारी सारी परेशानियों को, हमारे सारे व्याकुल दिलों को वो खुशी में बदलने वाला है। हमारा परमेश्वर जब हमसे कुछ कहता है, हमारा परमेश्वर जब हमारे जीवन में प्रतिज्ञा देता है, उन सब को वो सफल करने वाला परमेश्वर है। आज सुबह हम जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जिस परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, वो सारे असंभव काम को जो हमारी नजरों में असंभव लग रहे हैं, उन सब को संभव करने वाला परमेश्वर है। व्याकुल ना होना, अब व्याकुल ना होना। डाल दीजिए, आपको अपने भविष्य के बारे में कोई व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस गीत के द्वारा हमें परमेश्वर ये बता रहा है कि वो हमें थाम लेगा, वो हमें थाम लेगा, वो हमें अपने हाथों में उठा के, अपनी गोद में उठा के, अपने कंधों में बिठा के हमें थामने वाला परमेश्वर है। आज सुबह के वक्त में आपका दिल ना डरे, आप सहमे ना, आप किसी बात के डरने की जरूरत नहीं है। उस परमेश्वर की विश्वास करिए और कहिए, हाँ परमेश्वर, आप हमें थामने वाले हैं, हमारे जीवनों से हर एक परेशानियों को निकालने वाले हैं, आप हमें थामने वाले हैं राजा। ओ शादा राला बा, थिया राला बा, बाबा बा, शादा राला बा। ओ परमेश्वर, आज सुबह के वक्त में राजा तू हमें थामने वाला है, हमें चलाने वाला है, हमें पोषने वाला है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा। व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना। हाथों को उठाते हुए, परमेश्वर है राजा। आज सुबह के वक्त में हमारे जीवनों से हर एक डर को, हर एक भय को परमेश्वर तू दूर कर दे राजा। ओ परमेश्वर, हमारा भरोसा इस संसार के वैद्य के ऊपर नहीं है, हमारा भरोसा इस संसार के लोगों पर नहीं है, हमारा भरोसा इस संसार के दोस्तों के ऊपर नहीं है राजा। आज सुबह के वक्त में परमेश्वर हम दृढ़ता के साथ अपने सारा भरोसा आपके ऊपर डालते हैं राजा, क्योंकि आप हमारे जीवन के नाव के माझी हैं राजा। आपके बिना हम कभी भी उस छोर तक नहीं पहुंच सकते हैं परमेश्वर। जिस दिन हम इस संसार में आए, उस दिन से हमारे आखिरी दिनों तक राजा आप हमारे साथ रहेंगे परमेश्वर। आपने हमारे सरों के बालों को गिन कर रखा है राजा। आप हमारे सहन के पार कभी भी हमारे जीवनों में पीड़ा नहीं लेके आते हैं राजा। इन दिनों परमेश्वर इस संसार में अनेक परेशानियां हो रही हैं राजा, अनेक मृत्युएं हो रही हैं राजा, अनेक लोग अपने जीवनों को खो रहे हैं,
इन सबको जो हम देखते हैं, इन समाचार को सुनते हैं, हमारा दिल टूट रहा है राजा। हम किस पर विश्वास करें, किसकी बात माने, किसकी बात ना माने राजा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आज सुबह के वक्त में परमेश्वर, आप हमारे जीवन में सहारा है राजा। अनेक समय में परमेश्वर हम टूट के गिर चुके हैं, अनेक समय में परमेश्वर हम हार मान चुके हैं, लेकिन आज सुबह के वक्त में हमें आपके सहारा की जरूरत है परमेश्वर, आपके सहारा की परमेश्वर जरूरत है। आप हमारे हाथों को थामिए परमेश्वर, हमारे विश्वास को मजबूत करिए राजा। यस परमेश्वर, आप हमारे विश्वास को मजबूत कीजिए राजा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, ये बोझ जो संभालिए परमेश्वर, हम गिरकर टूट चुके हैं परमेश्वर, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है राजा। आज सुबह के वक्त में परमेश्वर, हमें आपका सहारा चाहिए, हमें आपका सहारा चाहिए परमेश्वर। जितने भी भाई बहन लोग इस आराधना को देख रहे हैं, अगर आज सुबह के वक्त में आपका दिल टूट चुका है, उस परमेश्वर से कहिए, हाँ परमेश्वर हमें आपका सहारा चाहिए, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। हाँ परमेश्वर, इस संसार का बोझ, जो गुनाहों का बोझ है राजा, प्रतिदिन उठा के चल रहे हैं, लेकिन अब हमसे नहीं हो पा रहा है परमेश्वर, वो अनेक जगहों में परमेश्वर, हम परमेश्वर कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं राजा, वो परमेश्वर आज सुबह के वक्त में हमें आपका सहारा चाहिए राजा, आपका हमें सहारा चाहिए राजा।
परमेश्वर आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप हमारे जीवन में नहीं होते हम कब के मर गए होते राजा। अगर आपकी करुणा हमारे जीवन में नहीं होती राजा हम कब के भस्म हो चुके होते राजा। तेरी अनुग्रह के लिए तेरी अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। तेरी दया के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। आइए हम सब एक बार दोबारा उस परमेश्वर से कहें, हाँ परमेश्वर मुझे संभाल मैं गिरा, 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 मुझे जब हम जीते हैं परमेश्वर इस जीवन में अनेक समय में परमेश्वर हमें ये महसूस होता है कि हम अकेले चल रहे हैं, हमें साथ देने वाला कोई भी नहीं है, हमारे साथ हमारे हाथ को थामने वाला। प्रिय भाइयों और बहनों हमें किसकी जरूरत नहीं है, आज सुबह के वक्त में इस परमेश्वर की सहारा की जरूरत है। किसी बात की चिंता ना रखे, किसी बात को अपने दिलों में रखे व्याकुल ना हो, अपने जीवनों को मजबूत करिए, उस परमेश्वर के बताए हुए कलाम पर चलिए, उसके बताए हुए हर एक वचन के अनुसार चलिए, और वही हमारा परमेश्वर इस सुबह के वक्त हमसे चाहता है। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा, तूने कुछ देर तेरी आराधना करने के लिए हमें सहायता किया राजा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। जितने भी भाई बहन लोग इस हिंदी आराधना को देख रहे हैं उन सब के दिलों को मजबूत कर दे राजा। अगर कोई भी सुबह के वक्त में बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, या फिर उनका दिल दुख से भरा हुआ है, या फिर उनके परेशानियां हैं, उनके जीवन में अनेक परेशानियां हैं, परमेश्वर तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, बीमारियों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, हर एक बातों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है राजा। इस देश को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा, इस भारत देश को तेरे सहारा की जरूरत है परमेश्वर, इस भारत देश पर अपनी दया उंडेल दे राजा। फिर एक और बार परमेश्वर हमारी ओर दृष्टि कर, हमारी ओर दृष्टि कर परमेश्वर। हाँ परमेश्वर आप दयालु परमेश्वर हैं, इस संसार में जितनी भी परेशानियां हैं उन सबको समाप्त कर परमेश्वर, वो आने वाले दिनों में परमेश्वर हम खुशी से जीना चाहते हैं, आने वाले दिनों में परमेश्वर एक शांति के साथ अपने जीवन को बिताना चाहते हैं राजा। हर बातों को सोचते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं राजा, अपने परिवारों को, कलीसिया को, पासवानों को, विश्वासियों को, और जितने भी लोग परमेश्वर इस कोरोना के टाइम में अस्पताल में है, नर्सेस डॉक्टर्स को सबको आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, अपने सहारा को दे परमेश्वर, अपने बल से हमें मजबूत कर, अपनी शक्ति से हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमेन। आप सबको हम हमारे कलीसिया की तरफ से हम आपको स्वागत करते हैं, और आप सबने हमारे साथ मिलकर अच्छी तरह से गीत गाए, हमारे आराधना में आप शामिल हुए, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रभु का भी धन्यवाद देते हैं। ऐसा एक माध्यम से हमें मिलाया है, पास हैं, दूर हैं, सब लोग हमारे साथ शामिल हैं, इसलिए हम बहुत खुश हैं, और आप सबको फिर से हम स्वागत करते हैं कि आप अपने ग्रंथ को उठाकर वचन को आराम से बैठकर सुने। इस वचन के द्वारा ही हमको छुटकारा मिलता है, इस वचन के द्वारा ही हमें चंगाई मिलती है। अगर आप वचन को अच्छी तरह से सुनेंगे,
उसे अपनाएंगे तभी आपको उसका फल मिल सकता है। इसलिए चलिए हम सब एक मन होकर वचन की ओर अपना ध्यान लगाते हैं। यूहन्ना का किताब 5:14, यूहन्ना का किताब 5:14 वाला वचन। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला, तब उसने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया, तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। ऐसा ना हो कि भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। मसीह एक बीमार आदमी जो उसे छुटकारा मिला था, उस आदमी को अपने भवन में वो मिलता है और कहता है, तू तो चंगा हो गया है, तू अभी पाप मत कर। अगर तू पाप करेगा तो इससे भी अधिक तेरे को भोगना पड़ेगा। तब मैं आके तुझको छुटकारा नहीं दे सकता, ऐसे चेतावनी देता है। हमारे प्रभु हमको चेतावनी देता है, वह हमें प्यार करता है, वह हमें चाहता है, वह हमारे लिए सहायता करने वाला प्रभु है। उसी समय में भी वो बीच में वह चेतावनी भी देता है। कैसा चेतावनी, देखिए इसके 5वें वाले वचन में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं, एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा हुआ था। हाँ, उसे देखने को यीशु मसीह वहाँ गए जहाँ वो पड़ा हुआ था और उसे पूछा कि क्या तुम चंगा होना चाहते हो। तो उसके मुंह से निकली हुई बात से वहाँ मसीह कहता है, तू उठ, अपने खाट उठाकर चल फिर। तो वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर वो चलने लगा। जाते समय वहाँ कोई लोग उसे मिलकर उनसे पूछा, तू अपना खाट उठाकर कहाँ जा रहा है, ये सबत का दिन है, इस दिन में तू खाट उठाकर कहाँ जा रहा है। लेकिन उसने कहा, मैं आज चंगा हुआ हूँ और मुझे जिसने चंगा किया उसने कहा तू अपने खाट उठाकर जा, इसलिए मैं चलने लगा। तो उन्होंने पूछा, वो कौन सा आदमी है तेरे को चंगा किया। उसने कहा, मैं तो नहीं जानता, लेकिन उसने मुझे कहा तू अपना खाट उठाकर चल, और मैं चलने लगा। तो वह कहाँ गया, वह उसके बाद मसीह को उसके भवन में, उसके प्रार्थना के जगह में वो मिला और मसीह ने उसे पहचान कर कहा, तू तो चंगा हो गया है, तू अधिक पाप मत कर। देखिए हमारे प्रभु इस धरती में हमारे लिए आए, हमारे पाप से छुटकारा देने के लिए आए, हमें सब बीमारियों से छुटकारा देने के लिए आए। और कहते हैं, अगर तू छुटकारा पाकर अपने मनमानी करे तो इससे भी अधिक तेरे को भोगना पड़ेगा, अधिक मुश्किलों को झेलना पड़ेगा। अगर तू चंगा हो गया है और तू भवन में जाकर प्रभु की इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार अगर तू चलेगा तो ज़रूर प्रभु के साथ रहने के लिए वह आपके लिए स्थान बना देगा। हालेलुया। हाँ, अभी हम देखेंगे निर्गमन की किताब 21:14। परंतु यदि कोई पिटाई से किसी पर चढ़ाई करके उसे छल से घात करे, तो उसको मार डालने के लिए मेरी वेदी के पास से भी अलग ले जाना। हाँ, इसमें कहा है कि पिटाई के साथ किसी पर चढ़ाई करके उसे छल से घात करे तो उसको मार डालने के लिए आज्ञा देता है। कहाँ से? उसके वेदी के पास से। उसके माने क्या? उन दिनों में वहाँ वेदी में ऐसा एक नियम रखा गया था कि अगर कोई भी उसके वेदी के पास आए तो उसको क्षमा मिलती थी। अगर कोई पाप करके उसके वेदी के पास आता है, उसके तंबू के अंदर आता है, तो उसको छुटकारा मिलता था।
लेकिन अगर तू ठिठाई के साथ पाप करे, टिटाई के साथ चल के दूसरों को मार दे, दूसरों पर कोई ना कोई इंजाम लगाए, टिठाई के साथ अगर तुम खरोगे तो आपको कोई भी छुटकारा करने वाला नहीं है। छुटकारा देने वाला मसीह तेरे को छुटकारा नहीं देगा, क्योंकि उसके क्रोध के लिए तुम काबिल हो जाते हैं। हमें पाप नहीं करना चाहिए, जो उसने कहा है उससे उल्लंघन नहीं करना चाहिए, हमें खरे रास्ते में चलना चाहिए। हालेलुया। भजन संगीता 19 का 13 ऐसा कहता है, तू अपने दास को ठिठाई के पापों से भी बचाए रख, हाँ, वह मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, हाँ, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। देखिए, एक बड़ा राजा दाऊद, वो कहता है, प्रभु से प्रार्थना करता है कि तू अपने दास दाऊद को टिटाई के पापों से बचाए रख। हाँ प्रभु, मैं कहीं कोई भी जगह में किसी से भी टिटाई के साथ कोई पाप ना करूं, मुझे बचा कर रख, और वे मुझे प्रभुता करने ना पाए। कोई भी पाप करने से पहले डर रहता है, लेकिन अगर फिर से हम उस पर टिटाई के साथ, उस पाप के साथ चलेंगे, तो हमारी अंतरी आत्मा तो मर जाती है और हमें चुभती नहीं है कि हम गलत काम कर रहे हैं। अगर आपके साथ परमेश्वर का आत्मा है, शुद्ध आत्मा आपके साथ है, तो वो आपको समझाएगा कि ये काम गलत काम है, ये मत कर। तो हमें तुरंत अपने काम से पलटना चाहिए। अगर हम ना पलटे तो हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालेलुया। हम आज 3 जनों के बारे में देखने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने काम के द्वारा कैसे अपना जीवन को बचाया या अपने जीवन को वह खो दिए करके हम देखेंगे। पहला राजा 1:50। और अदोनिया सुलेमान से डर कर उठा, हाँ, और जाकर वेदी की सींगों को पकड़ लिया, हाँ। तब सुलेमान को ये प्रचार मिला कि अदोनिया सुलेमान से ऐसे डर गया है कि उसने वेदी की सींगों को ये कहकर पकड़ लिया है, हाँ, कि आज राजा सुलेमान शपथ खाए कि अपने दास को तलवार से ना मार डालेगा। तलवार से ना मारे। सुलेमान कौन था? सुलेमान तो राजा था। और ये अदोनिया कौन था? अदोनिया तो राजा का एक पुत्र था। कौन? दाऊद राजा का एक पुत्र था। उसके बहुत सारे पुत्र थे, उसमें चौथा वाला पुत्र, मेरे ज्ञान से वो चौथा वाला पुत्र था। वह अपने पिता का राजगति पर बैठना चाहता था, और उसने ठिठाई के साथ उसने क्या किया, कुछ लोगों को अपने साथ लेकर वह अपने को राजा बनाने के लिए पहाड़ में चढ़कर सब लोगों से कहा कि मैं ही राजा हूँ, ऐसे घोषित करने गया। लेकिन वहाँ क्या हुआ, दाऊद ने सुलेमान को अपने के बाद, अपने जीवन के बाद यही राजा बनेगा करके पूरे राज्य को बता दिया, और अपने कर्मचारियों को कहा कि सुलेमान को आप राजगति में बैठाकर उसे अभिषेक करो कि राजा के स्थान में वही रहेगा। ये सुनते ही क्या हुआ कि अदोनिया डर के मारे, क्योंकि वो पाप किया है, वो गलत काम किया है, राजा का विरुद्ध किया है, यह जानकर डर के मारे वो सीधा आकर क्या किया, वो वेदी के सिंगों को पकड़कर वहां खड़े होके कहने लगा कि राजा को शपथ खाना होगा कि मुझे नहीं मारेगा। तो वहां सुलेमान ने क्या कहा,
आगे पढ़िए। सुलेमान ने कहा यदि वे बलमनसी दिखाए तो उसका एक बाल भी भूमि पर गिरने ना पाएगा। परंतु यदि उसमें दुष्टता पाई जाए वह मारा जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ राजा सुलेमान उसको दो मौका देता है कि अगर तू बलमनसी दिखाए, तू बलमनसी होकर अच्छा काम करे तो मैं तुझे नहीं मारूंगा। अगर तेरे पर दुष्टता का कोई भी अपराध तेरे पर लगेगा तो जरूर तू मारा जाएगा। हाँ, हमारे मसीह के पास भी जब हम आए थे, पापी थे, तो पापी को प्रभु प्यार करता है, पापी को अपने साथ लेता है और वह कहता है मैं पाप को घृणा करता हूँ, पापी को नहीं, मैं पापी को अपने साथ लेता हूँ, अपने खून के द्वारा मैं उसे धुलाता हूँ, उसे पूरे खून से पाप से रहित कर देता हूँ। वह पाप को शुद्ध करके हमें एकदम शुद्ध आत्मा बना देता है। अगर हम फिर से मसीह का आत्मा पाकर भी, उद्धार पाकर भी अपने मनमानी करें, अपने इच्छा अनुसार करें, जैसे ये कहता था, जैसे आज के लोग प्रार्थना को छोड़ देते हैं, वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, कहते हैं हम बहुत बेचैन हैं, हमें बहुत काम है, हम तो भवन में नहीं आ सकते क्योंकि सब जगह मरी फैली हुई है, हमको प्रार्थना करने का समय नहीं है क्योंकि सुबह से रात तक हम काम पर लगे रहते हैं। तो ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे बातें बोलकर हम प्रभु से दूर होते जाएं, हम प्रभु के कृपा से दूर हो जाते हैं। अगर आपको कृपा चाहिए तो फिर से उसके भवन में आइए, प्रार्थना में जुड़े रहिए, अपने लिए प्रार्थना कीजिए, अपने घर वालों के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने साथ जो भी दोस्त भाई बहन जो भी हैं सबके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि इस मरी से छुटकारा पाने के लिए एक ही मार्ग है कि वो प्रार्थना। अगर प्रार्थना करें तो ये मरी से हमें प्रभु छुटकारा देता है। ये मरी बहुत लोगों को घात करके अपने साथ सब लोगों को इकट्ठा करके ले जा रहा है, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ ये अंतिम दिन का समय है, प्रभु जल्द से जल्द आने वाला है। अगर आप अपने मनमानी से ना मुड़े, अगर आप प्रभु के इच्छा अनुसार ना चलें, तो हम प्रभु के साथ रहने के लिए हमें जगह नहीं मिलेगा। हम कह सकते हैं कि हम पीढ़ी पीढ़ी से हम ईसाई लोग हैं, हम मसीह को अच्छी तरह जानते हैं, हमको वचन सब मालूम है, हम अच्छे गीत गाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, चलेगा, सब चलेगा। लेकिन अगर आप वचन के अनुसार ना चले, अगर आप जाकर वेदी के सिंगों को पकड़ भी लें, तो अगर आप पर दुष्टता दिखाई पड़ेगा तो प्रभु ने ऐसा एक कमांड दिया है कि आपको बाहर पकड़ के ले जाएं और मारा दिया जाए। हालेलुया। अगर हम उस स्थिति पर गए तो हमारा जीवन बहुत दुखी हो जाएगा। हम वचन को सुनकर भी हम स्वर्ग नहीं जा सकतेंगे। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप खरे रास्ते में चलने की कोशिश करें, अपने मनमानी नहीं, जैसे वचन कहता है, जैसा राजा कहता है। राजा कहता है अगर तू बलमनसी बने तो तेरे सर के बाल भी नहीं गिरेंगे। हाँ, हमारे प्रभु जो हमको रचा है, जो हमको बनाया है, वह हमें सब तरफ से घेर कर भाड़ा दे सकता है क्योंकि वह हमें जानता है। हालेलुया, हालेलुया। पहला राजा 2:5, फिर तू स्वयं जानता है हाँ कि सरूया के पुत्र योआब ने
मुझसे क्या क्या किया, अर्थात उसने नेर के पुत्र अबनेर और येतेर के पुत्र अमासा इज़राइल के इन दो सेनापतियों से क्या क्या किया। उसने उन दोनों को घात किया और मेल के समय युद्ध को लहू बहाकर उसने अपनी कमरबंद और अपने पाँव की जूतियाँ भिगो दी। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ हम और एक जन के बारे में, जब दाऊद मरने के स्थिति में था, अंतिम स्थिति में वह सुलेमान को कहता है कि हे, मैं तो अपनी अंतिम स्थिति में हूँ, मैं अपना आशा तेरे को बताना चाहता हूँ। हाँ, तू तो जानता है ये योआब कैसा था, वो तो मेरा सेनापति था, हाँ उसने अच्छा काम तो किया था, लेकिन एक समय ऐसा था कि मेल के समय, मेल मिलाप के समय उसने क्या किया, उसने लहू बहा दिया, उसने छल से अमासा और उसके दो सेनापति को उसने घात कर दिया। मेल मिलाप के समय पर उसने खून बहा दिया। लहू बहा कर मुझे बहुत दुख पहुंचाया, इसीलिए तू उसे मत छोड़ना। हाँ, अगर हम प्रभु को किसी भी तरह से, हमारे राजा महाराज को किसी भी तरह से हानि पहुंचाएं, दुख पहुंचाएं, तो हमारा प्रभु हमारे ठिठाई के काम पर बदला लेता है, छोड़ता नहीं है। अगर हम ठिठाई से, छल से कुछ भी काम करें, उसके लिए हमें भोगना पड़ता है। हमें कोई भी काम छल से करें तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, देखो ये तो बहुत अच्छा राजा का सेनापति था, लेकिन उसका कुछ ऐसा व्यवहार था जो राजा को दुख पहुंचाया, और वह अपने पुत्र सुलेमान को कहता है, तू बुद्धिमान है, तू इसे मत छोड़, ये तो सूरवीर है, इसका तू बदला लेना होगा। तो कैसा उसने बदला लिया, देखिए 28 के वचन में हम देखेंगे। इसका समाचार योआब तक पहुंचा। योआब अबशलोम के पीछे तो नहीं हो लिया, परंतु अदोनियों के पीछे हो लिया था, हो लिया था। तब योआब यहुआ के तंबू को भाग गया और वेदी की सींग को पकड़ लिया। जब राजा सुलेमान को ये समाचार मिला कि योआब यहुआ के तंबू को भाग गया है और वे वेदी के पास है, तब सुलेमान ने यहोयाद के पुत्र बेनिया को ये कहकर भेज दिया कि तू जाकर उसे मार डाल। तब बेनिया ने यहुआ के तंबू के पास जाकर उससे कहा, राजा की ये आज्ञा है कि निकल आ। उसने कहा, नहीं, मैं यही मर जाऊंगा। हालेलुया। देखिए यहाँ हम देखते हैं योआब ने क्या किया। योआब को जब मालूम हुआ कि राजा मेरे पर चढ़ाई करने आ रहा है, मुझे मारना चाहता है, तो वह तुरंत तंबू की ओर भागा और वेदी के सिंगों को पकड़ लिया। तो उसने सोचा, अगर मैं सिंगों को पकड़ लिया तो जैसे अदोनिया को मुक्ति मिली, मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी, मुझे भी क्षमा मिल जाएगी। लेकिन वहाँ क्या हुआ कि वह कहता था, नहीं नहीं नहीं, मैं तो इस वेदी को छोड़कर नहीं आऊँगा, चाहे मुझे यहाँ मर भी जाना पड़े। तो उसके बाद जब वचन को देखेंगे तो उसके मुंह के अनुसार, जो उसके मुंह से निकला हुआ बात था, उसके अनुसार उसे मार दिया गया। हाँ, अगर हम टिठाई के काम करें, चल के काम करें, दूसरों को दुख दें, राजा को दुख पहुंचाएं, तो हम बच नहीं सकते। उस समय हमें नहीं मालूम हम क्या बोलते हैं, बकते हैं। जैसे इसने कहा कि मैं यहाँ से नहीं निकलूँगा, मैं यहाँ ही रहूँगा, अगर मैं मर भी जाऊँ मैं यहाँ से नहीं निकलूँगा। ये बात सुनकर तुरंत उसको ऐसा आज्ञा आया
कि वहीं उसको मार दिया जाए। अगर हम प्रभु के इच्छा अनुसार ना जाएं, अगर हम उसके प्रिय से काम ना करें, तो ज़रूर हमको मृत्यु हमारे आगे खड़ा है, इसे कभी नहीं भूलना। और एक जन के बारे में हम देखना चाहते हैं, पहला राजा दो का आठ। फिर सुन, हाँ, तेरे पास बिन्यामिन गेरा का पुत्र बहुरी में शिमी रहता है। हाँ, जिस दिन मैं महनेम को जाता था, उस दिन उसने मुझे कड़ाई से श्राप दिया था, पर जब वे मेरी भेंट के लिए यरदान को आया, तब मैंने यहोवास की शपथ खाई कि मैं तुझे तलवार से ना मार डालूंगा, परंतु अब तू इसे निर्दोष ना ठहरना। तू तो बुद्धिमान पुरुष है, तुझे मालूम होगा कि उसके साथ क्या करना चाहिए। हाँ। और उस पक्के बाल वाले को लहू बहाकर उसे अधोलोक में उतार देना। हालेलुया। यहाँ दाऊद राजा कहता है कि उसे मत छोड़, सिमी नाम का जो आदमी है उसे मत छोड़। उसने, जब मैं बहुत दुख से अपने राज्य को छोड़कर मैं भाग रहा था, अपने जीवन के लिए मैं भाग रहा था, तब वो सिमेई मुझे ऐसा गाली दिया। इसे हम कहाँ देख सकते हैं? दूसरा समवेल 16:5 से हम देख सकते हैं। जब दाऊद राजा बहुरीम तक पहुंचा, तब शाऊल का एक कुटुंबी वहां से निकला। वह गेरा का पुत्र शिमी नाम का था। और वह कोसता हुआ चला गया। और दाऊद पर, और दाऊद राज्य के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा। और शूरवीर समेत सब लोगों उसकी दाहिनी बाई ओर थे। और शिमी कोसता हुआ यो बकता गया कि दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा। देखो कैसा उसने बककर उस राजा को ऐसा दुख दिया। वो कहता है, तू कूनी है, तू साउल राजा के घरानों को तूने मार डाला है, तू खूनी है, इसीलिए तू अब भाग रहा है, तू अपने बेटे से दूर बाहर भाग रहा है, तेरे को राज्य गति नहीं मिलेगी, तू फिर से मत आ। ऐसे करके बक रहा था। और उसने उन सब पर, राजा और उसके साथ जो भी थे, उन सब पर पत्थर फेंकने लगा और गाली देने लगा। ये सब सुनकर उसके साथ जो सूरवीर थे, उन्होंने कहा कि मैं जाकर उसे मार देता हूं। लेकिन राजा दाऊद ने कहा, अगर प्रभु ने उसे गाली देने को कहा है तो वो गाली देगा, तुम सब चुप रहो। हाँ, उस समय वह चुप रहा, वह अपना सर पर कपड़ा डालकर बिना पैर में चप्पल के बिना रोता हुआ अपने कुछ आदमियों को लेकर जंगल की ओर जा रहा था। दुखी दिल से, भारी दिल से वो तो जा रहा था, लेकिन ये सिमेई वहाँ आकर गाली दे दिया। और जब उसको मालूम हुआ कि अब राजा फिर से आने वाला है, वह राजगति में बैठने वाला है, अगर वह राजगति में बैठेगा तो ज़रूर मुझ पर बदला लेगा, इसे देखकर वह तुरंत छल से वो आगे आया और यरदान नदी के पास आकर उसे स्वागत किया और कहता है, राजा तू अपने मन में कुछ ऐसे बात मत रख जो मैंने कहा था, तुझे कुछ भी टेस्ट नहीं पहुंचना चाहिए, मुझे माफ कर दे राजा। तो राजा उस समय भी उसे माफ करता है। देखिए, जब गाली दिया तब उसे माफ किया, जब वो फिर से आकर माफी मांगता है तब भी माफी दिया। लेकिन ये सब राजा के दिल में भरा हुआ था कि इसको छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, हमारा प्रभु, हम जानते हैं कि वह हमें माफ़ करता है,
वो हमको छुटकारा देता है और हम सोचते हैं कि हम फिर से हम अगर गलती करके आए फिर भी वो हमको माफ़ कर देगा। लेकिन हमारा प्रभु ऐसा एक राजा है, वो माफ़ नहीं करता, उसे उसके लिए दंड बहुत ना पड़ता है। उसका दंड क्या था देखेंगे तो पहला राजा 2:36। और राजा ने शिमी को बुलवा भेजा। अभी राजा सुलेमान ने उसे बुलवा भेजा और उससे कहा यरूशलेम में आकर एक घर बनाकर वही रहना। यरूशलेम में घर बनाकर रह और नगर कहीं मत जाना, और जिस दिन तू इस नदी को पार करके जाएगा तब तू मारा जाएगा। तो तुरंत वो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो एक घर मिल गया, मुझे रहने का स्थान मिल गया, तो मैं क्यों जाऊं, ऐसे बोलकर खुशी खुशी निकल गया। लेकिन 3 साल तक वो अंदर रहा। 3 साल के बाद उसका ऐसा एक समय आया कि उसे नदी पार करके जाना पड़ा। तो राजा को मालूम हुआ कि वह नदी पार करके गया तो फिर से उसे बुला भेजा और राजा कहता है सिमी मैंने तेरे को कहा ना तू नदी पार करके मत जाना, तू नदी पार करके गया तो आज तेरे को घात किया जाएगा। हाँ, जब हम प्रभु के बात को उल्लंघन करते हैं तो हमें भी मृत्यु के साथ प्रेम करना पड़ता है, हमें भी मृत्यु दंड पाना पड़ता है। क्या आपको भी ऐसे चेतावनी दिया गया है? अगर आपको चेतावनी दिया गया है तो आप सावधान रहिए ताकि आप पर गौर विपत्ति ना पड़े। तो देखिए हम आज 3 जनों के बारे में देखा कि अदोनिया ने क्या किया, योआब ने क्या किया, सिमेई ने क्या किया, और कैसे बचाव पा सकते हैं उसके बारे में भी हमको बताया गया है। देखिए आखिरी वचन एक पढ़ेंगे मत्ती का किताब 18:23 से। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वे लेखा लेने लगा तब एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े धरता था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था। तो उसके स्वामी ने कहा कि ये और इसकी पत्नी और इसके बाले और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और वे कर चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा हे स्वामी धीरज रख, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका धार क्षमा किया। यहाँ हम देखते हैं एक ऐसा आदमी था जो कर्ज चुकाना पड़ा, उसका कर्ज बहुत बड़ा हो गया, तो उसे बुलाकर जो कर्ज दिया वो कहता है तुझे सब कुछ बेचकर मुझे कर्ज चुका दे। लेकिन वो कहता है धीरज रख, मेरे पर कृपा दिखा, मैं तेरे को सब कुछ दे दूंगा। तो तुरंत उसको कृपा मिली, लेकिन उसने क्या किया, बाहर जाते समय इसके पास एक छोटा कर्ज लिया हुआ एक आदमी आया और उसको उसने भी उसे मुताबिक उसे पकड़कर उसने कहा तूने मेरे से इतना कर्ज लिया है मुझे तुरंत दे। लेकिन वो भी बोलता है मेरे ऊपर धीरज रख, मुझे पर कृपा दिखा, मेरे पास अभी नहीं है मैं दूंगा। लेकिन उसने छोड़ा नहीं, इतना दुष्टता उसने दिखाया। तब जब वो उसका राजा जो पहले कर्ज माफ़ किया था उसको मालूम हुआ कि ये ऐसा दुष्ट व्यवहार अपने भाई से कर रहा है, इसे देखकर उसे फिर से बुलाकर वो कहा मैंने तेरा बहुत बड़ा कर्जा तो माफ़ कर दिया, तू क्यों अपना छोटा कर्ज माफ़ नहीं किया, तू ऐसा ना करने के कारण मैं तेरे कर्ज को माफ़ नहीं करता, फिर से मैं कहता हूँ तुझे सब कुछ लौटाना होगा। हाँ, हमारे ज़िंदगी में भी अगर हम दूसरों को माफ़ नहीं करें तो हमारे पाप को रिवर्स कर सकता है हमारा प्रभु। हाँ, अगर वो फिर से रिवर्स कर दे तो उसकी कर्ज चुकाना बहुत बड़ी कीमत हो जाएगी, बहुत बड़ी कीमत हो जाएगी। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों जो भी ये वचन सुन रहे हैं, कहीं से भी सुन रहे हैं, सोचिए अपने को अभी
सोचकर अपना मार्ग कैसा है, अपना कार्य कैसा हो रहा है देखकर सही रास्ते में आ जाइए। दूसरों को माफ़ कीजिए, दूसरों से प्यार कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। कब क्या होगा किसी को नहीं मालूम। आप तो अभी का समस्या आप जानते हैं, लोग बीमार के साथ बेचैन हैं, मर रहे हैं। इसीलिए प्रिय भाइयों बहनों, अच्छा काम कीजिए, प्रभु को प्रिय बन जाइए और प्रभु के मार्ग पर चलकर उसके राज्य में जाने के लिए सबको आपके साथ आने के लिए आप तैयार कीजिए। चलिए आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, आपने हमें इतना अच्छा वचन दिया है, चेतावनी दिया है कि हमें खरे रास्ते में कैसे जाना है। अगर हम बलमनसी नहीं दिखाए तो हम जल्द से जल्द मारे जाएंगे। हम वेदी के सिंगों को पकड़ भी लें तो हमको छुटकारा नहीं मिलता, क्योंकि हमारे मुंह से निकली हुई बातें वैसे बहुत कठोर बातें हमने निकाली है। इसीलिए सावधान रहिए। हे प्रभु, मेरे मुंह की बोली से मुझे छुटकारा दे, मेरे टिटाई के काम से मुझे छुटकारा दे। मैं कोई भी काम छल से ना करूं। हे प्रभु, मुझे शुद्ध कर दे। हे प्रभु, तेरे वचन के अनुसार चलने की मुझे कृपा दिखा। हे प्रभु, आज के लोग तो मरी के कारण मर रहे हैं, क्या करें नहीं मालूम। सब जगह वैद्य नहीं, दवा नहीं, रहने के लिए खाट नहीं, अस्पताल में जगह नहीं, ऑक्सीजन नहीं, क्या सब कुछ नहीं नहीं करके बता रहे हैं। हे प्रभु, हम पर कृपा कर, हमारा दिन तो बहुत छोटा है। हम तेरे शरण स्थान में आते हैं प्रभु, आपके पास आते हैं। हमें बलमनसी बना दीजिए प्रभु, बलमनसी बना दीजिए। हमारे बुद्धि में, हमारे हृदय में, अंदर जो भी चल का काम हो उसे निकाल दीजिए प्रभु। हमें खरे रास्ते में जाने के लिए हमें कृपा दिखाइए, हमें चलाइए आपके वचनों के अनुसार, हमें चलाइए प्रभु, ताकि हम आपके आगमन में शामिल हो जाएं, आपके प्रिय पुत्र बन जाएं, आपके हृदय के लाडला बन जाएं। हे प्रभु, हमें आशीष दीजिए, हमारे घर वालों को सुरक्षित कर दीजिए, हमें अपने बंधनों से बांध दीजिए प्रभु, हमें कोई भी हानि ना हो। हम और पाप करके बुरे स्थिति में ना जाएं, हमें बचाइए प्रभु, हमें बचाइए। और हम सब भाई बहनों को अपने वचनों के द्वारा, अपने हाथ में हमें रचे हुए हैं, अपने हाथ के अंदर हमें बंद करके हमें सब मरी से, पीढ़ी से, दुखों से हमें दूर कर दीजिए प्रभु। हे प्रभु, हमारे साथ रहकर हमें चलाइए। मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। चलिए हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन, आमीन।